अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वह सुरक्षित बचा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक यह छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं है कि जल प्रलय में यह मंदिर कैसे बच गया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 सालों तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वह बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की है। उसके आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया है। ऋषि जी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं था, बल्कि बर्फ के नीचे दबा था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं, बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चलती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों के पत्थर की रगड़ दिखती है, तो अंदर की ओर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उसके पहले ही यह मंदिर बन चुका था। केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल। जोशी जी ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले केदारनाथ घाटी बनी है चोराबरी ग्लेशियर के पीछे हटने से। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी जी कहते हैं कि ऐसी जगह में मंदिर बनाने वालों की एक कला थी। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस दौर के लोगों ने ऐसी संवेदनशील जगह पर आबादी भी बसने दी तो स्वाभाविक रूप से वहां नुकसान तो होना ही था। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 22,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि यहाँ 5 नदियों का संगम भी है, मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे इलाके के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग
पूरी तरह बंद हो जाएगा, भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।